मुख बिगड़त निगम कल्प कर परमानंद सुधार से मयक लीला रती रस रस निधान की पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवार जन्म मृत्यु भव भय सेवत सत सकल सुख कार सुमह सधीह चरित गान विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत् रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर मात्म ज्ञान पावन महापुराण की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की सुकृताल धाम की गंगा मैया की हनुमत धाम की जय हो। बैठ जाए सभी भक्त परिवार। श्रीमद भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव अमृत वर्षा चैनल के माध्यम से और महर्षि के यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर इस कथा से जुड़ने वाले आप सभी हरिभक्त परिवारों का हम बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज श्री सतगुरुदेव भगवान श्री राघव शरण जी महाराज जिनके अमृत में वाणी से आज कथा का विराम दिवस यानी कि कथा का समापन दिवस। शुक्रताल की पावन पवित्र दिव्य भूमि से मां गंगा के पावन तट से और हनुमत धाम से यह कथा लाइव प्रसारण में पहुंची और इस कथा का जो उद्देश्य था जनमानस के कल्याण राष्ट्रहित के लिए यानी कि समाज की सेवा के लिए जहां संत भोजन कराते हुए आप भी घर बैठे पुण्य लाभ आपने अर्जित किया भंडारा सहयोग में यथाशक्ति यथा भक्ति अनुदान अपना समर्पित किया। साथ ही महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में चल रही गौ माता की सेवा के लिए यथोचित सेवा लिखाकर घर बैठे सुख समृद्धि शांति आपने प्राप्त की। साथ ही बद्रों की सेवा के लिए भी चने खिलाने के लिए या फिर केले खिलाने के लिए भी आपने सेवा के हाथ बढ़ाए इसके लिए प्रभु बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको मिले आपके पूरे परिवार को मिले यही कामना करते हैं। तो आइए निकट भविष्य में
पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में जो सुंदर सेवा प्रकल्प तो निरंतर चलते ही रहेंगे, चाहे वो संत भंडारा भोजन प्रसादी की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, बंदरों की सेवा हो, इन सेवा प्रकल्पों से आपको निरंतर जुड़े रहना है और जुड़कर श्री जानकी जीवन धन सेवा संस्थान अयोध्या धाम से परम श्रद्धेय श्री राघव शरण जी महाराज श्री के पावन सानिध्य में चरण के माध्यम से कथाओं का भी लाभ आपको प्राप्त करना है। साथ ही साथ जो सेवा प्रकल्प महाराज श्री के पावन सानिध्य में संचालित है, विगत कई वर्षों से चल रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आपको भी जुड़ना है और सेवा प्रकल्पों को आगे बढ़ाना है। शुक्रताल की इस पावन पवित्र भूमि पर पूज्य महाराज श्री का जो सुंदर संकल्प है कि आइए दान तो आप कोई भी करें, अपने आप में सभी दान श्रेष्ठ दान महादान माने गए हैं, लेकिन भूमि दान का अपना एक महत्व माना जाता है कि हम अपने जीवन की नेक कमाई का कुछ अंश निकालकर, एक छोटा सा हिस्सा निकालकर परमात्मा के धाम में, शुक्रताल धाम में मां गंगा जी के पावन तट पर एक आश्रम के, सुंदर आश्रम के निर्माण कार्य के लिए भूमि गज दान के लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। जो भक्त परिवार लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो एक गज भूमि दान, दो गज भूमि दान, पांच गज भूमि दान का संकल्प तो ले ही सकते हैं, जिसमें 6,000 रुपया प्रति वर्ग गज भूमि का संकल्प मां गंगा के पावन तट शुक्रताल की पावन भूमि से आप ले सकते हैं। और कहते ना कि जीवन पर्यंत आपके जीवन में कभी ये विचार ना आए, आपके पूर्वज आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा जहां आपके पूर्वजों ने भूमि दान से जुड़े रहे, अनेकों तीर्थों में धामों में जाकर जब आप अपने पूर्वजों के नाम से वहां पर एक नाम लिखा हुआ देखते हैं, आपको भी लगता है कि फलाने महेश्वरी समाज या अग्रवाल समाज या वैश्य समाज, जो आपके पूर्वज रहे जिन्होंने प्रत्येक धाम में तीर्थ में जाकर भूमि दान की सेवा की, उनके नाम अंकित किए जाते हैं, तो आपको गर्व महसूस होता है। आप जब अपने परिवार के लोगों को ले जाते हैं, इष्ट मित्रों को ले जाते हैं, अपने छोटे बच्चों को ले जाते हैं, तो स्वयं दिखाते हैं, देखिए बेटा ये आपके दादाजी का नाम, ये आपके नाना जी का नाम, ये आपके पिताजी का नाम, जिन्होंने इस आश्रम में भूमि दान के लिए सहयोग किया, तो कहीं ना कहीं खुशी आप ही को मिलती है और गर्व महसूस होता है। जहां हम 10-20 लाख रुपए लगाकर पर्सनली मकान वहां नहीं खरीद सकते, लेकिन आश्रम निर्माण कार्य में छोटी सी सहयोग राशि लिखाकर भूमि गज दान में हम अपने जो पूर्वज जो हमारे जिन संकल्प को लेकर चल रहे थे, चाहे पूर्वजों के नाम से, प्रियजनों के नाम से, आत्मजों के नाम से, हम नाम लिखाकर एक खुशी हम जरूर महसूस कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, 6,000 रुपया प्रति गज भूमि का दान है। जो भी भक्त परिवार जुड़ना चाहते हैं, शुक्रताल में आश्रम का निर्माण कार्य किया जाए, तो सतगुरुदेव भगवान के जो ऑफिस के नंबर चल रहे हैं उन्हें आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, सेवाओं से आप जुड़ सकते हैं। गया जी धाम से जो भी भक्त परिवार अपने पूर्वजों के, प्रियजनों के, आत्मजों के निमित्त जुड़ना चाहते हैं सेवा गंगा से, तो आप भी पोथी यजमान बनकर घर बैठे पुण्य लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। एक भक्त परिवार आपके प्रियजनों के नाम से एक भगवत कथा का मूल पाठ का पोथी यजमान आप बने, तो 15,000 रुपए की राशि लगाकर आप पुनित सेवा के कार्य से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन्हें आप सब नोट कर सकते हैं और संपर्क स्थापित आप कर सकते हैं। साथ ही आज कथा का विराम दिवस है, कथा का समापन दिवस है, जाते जाते बस नहीं निवेदन करना चाहूंगा, जो भक्त परिवार बीते हुए 7 दिनों में कथा से नहीं जुड़े, कथा आपने नहीं सुनी, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आज यदि कथा सुनते हैं तो 7 दिनों की कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और आज आपको एक और लाभ मिलने वाला है, जिन्होंने 7 दिन में सेवा प्रकल्प से जो भक्त परिवार नहीं जुड़े हैं, संकल्पों को जीवन काल में धारण नहीं किया है, महाराष्ट्र के संकल्पों के साथ वो नहीं जुड़े हैं, तो आइए वृक्षारोपण के सुंदर कार्य से आप जुड़ जाइए। आज यदि आपको घर बैठे पुण्य अर्जित करना है और सही माने में समाज से भी धानदाता भामा साहब बनना है, तो आपके परिवार के नाम से, और ये वो आत्माएं जो इस कोरोना काल में हमारे प्रियजन हमारे जो अपने हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उन दिवंगत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करें। हम यहाँ शुक्रताल की पावन भूमि पर मां गंगा के पावन जल से
उस उन क्या पौधों को सींचा जाए और आपके छोटे से प्रयास के माध्यम से जो भी आपके अपने प्रियजन इस कोरोना काल में गए हैं उनके नाम हमारे पास भेजे। एक वृक्ष लगाने की राशि यानी कि एक पौधा लगाने का रोपण, जो पूरा पौधा जब तक बड़ा हो जाएगा तब तक पूर्ण जिम्मेदारी हमारी रहेगी। उसके लिए जाल बनाना हो, बंदरों से उसकी सेफ्टी करना हो, उसको लगातार जल या खाद देना हो, पूर्णतः व्यवस्था संस्थान परिवार के द्वारा जिस वृक्ष का रख रखाव किया जाएगा, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5100 रुपए का सहयोग आपको लिखाना है और पूज्य महाराज श्री के सुंदर सेवा प्रकल्प से आपको जुड़ना है। आज का ये मौका है, फिर समय निकल जाएगा, मौका बार बार लौट कर नहीं आता। तो ये जो पल, ये मौका, ये लम्हा, ये जो समय आपको मिल रहा है तो उसको भुनाना है। चरण के माध्यम से जितने भी भक्त परिवार जुड़ रहे हैं, एक वृक्ष अपने परिवार के नाम से, अपने प्रियजनों के नाम से 5100 रुपए की राशि जीवन पर्यंत, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में अब ना रहा हो लेकिन जीवन पर्यंत वो जीवंत रहेगा। उस वृक्ष को जब आप देखेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को जब लेकर आएंगे सुकृताल में और गर्व से कहेंगे कि बेटा ये आपके दादाजी के नाम से, ये आपकी माताजी के नाम से, ये आपके नाना जी के नाम से, ये आपके पिताजी के नाम से, वो जब तक वृक्ष रहेगा आपके दादाजी, आपके प्रियजन, आपके पूर्वज जीवंत रहेंगे इस कहीं ना कहीं प्रकृति में और सृष्टि में। वृक्षारोपण हेतु जो भक्त परिवार जुड़ रहे हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। झवरलाल जी, वाइफ ऑफ तारा देवी जाजू, आप राजस्थान से जुड़ रहे हैं और वृक्षारोपण में आपने सेवाएं दी हैं। एक वृक्ष आपके नाम से यहां पर लगाया जाएगा जिसके लिए 5100 रुपए की राशि आपने भेजी है आश्रम परिवार के लिए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यमुना प्रसाद जी, वाइफ ऑफ सरस्वती देवी, द्वारका प्रसाद जी लखोटिया साहब, आप डूंगरगढ़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं और आपके द्वारा भी एक वृक्ष की सेवा यहाँ सुकृताल की पावन भूमि पर आपने भेजी है। और कुछ भक्त परिवार भी जुड़ रहे हैं जो महाराष्ट्र के सुंदर सेवा प्रकल्प यानी के संत भंडारा, गौ माता की सेवा और बंदरों की सेवा से भी आप जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन, स्वागत, प्रणाम करते हैं। तो जो भी भक्त परिवार अपने नाम से, अपने प्रियजनों के नाम से वृक्षारोपण की सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, एक वृक्ष की सेवा 5100 रुपए है, जीवन पर्यंत उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, जब तक वृक्ष बड़ा ना हो जाए पूरी देखभाल की जाएगी, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। तो आइए जो भी भक्त परिवार जुड़ना चाहते हैं हमारे आश्रम के नंबर पर आप संपर्क स्थापित करते हुए सेवा प्रकल्पों का लाभ घर बैठे प्राप्त करें और सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का आज कथा का विराम दिवस है, सुंदर मंगलाचरण के साथ कथा में प्रवेश करते हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में सुंदर मंगलाचरण के साथ। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ बढ़ाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। लोकाभिरामं रणंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय व्यासपीठ पर विराजित अयोध्या के निवासी महाराजी राघव शरण जी के चरणों में वंदन और हनुमत धाम के प्रांगण में आज सप्तम दिवस, अष्टम दिवस भागवत कथा का अंतिम चरण चल रहा है। इस भागवत कथा में सभी भाई बहनों ने लाभ लिया लेकिन इसमें क्या खोया क्या पाया, इस विषय में आपने विचार किया होगा। हम लोगों ने ये विचार है कि इस देव जी की भूमि पर जो आए हैं वो अशांति यहाँ खत्म कर दी है और शांति का वातावरण बना है, ऐसा हमारा आपस के अंदर से विचार हुआ, ऐसा है। वक्त का कारवा कब खत्म हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ, कल कहाँ हम, किसी को यह पता नहीं है। इस पावन भूमि के अंदर जिसने जो भी योगदान दिया है,
व्यासपीठ से उनको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ये हमारा राघव संजी महाराज का आशीर्वाद है। मेहनत लगती है सपनों को साकार बनाने में, मेहनत लगती है सपनों को साकार बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, फिर भी जिंदगी कम पड़ती है सत्संग कथा में निभाने में। इसी दोस्त शब्दों के साथ मैं अपना शब्द विराम कर देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्रीमते रामचंद्राय। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतांतमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् व्यासोनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा। जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। चितचोर प्रभु। जय जय माँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः।
पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावरणाले दीन बंधु दया सिंधु नंद यशोदा नंदन वसुदेव देवकी नंदन भक्त वत्सल भगवान श्री श्याम सुंदर प्रभु भगवान के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस की बेला शुक्रताल धाम जहां सुखदेव भगवान स्वयं ज्ञान का अवतार लेकर के प्रकट हुए, जहां स्वयं भगवान सुखदेव के स्वरूप में आए, ऐसे सुखताल की परम पावन भूमि है। ये मां गंगा की गोद है, अंजनी नंदन हनुमंतलाल का पावन सानिध्य है, यज्ञ भगवान की महती कृपा है। ऐसे सुअवसर में हम सब उपस्थित हैं, आए हुए समस्त भक्त परिवार सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए आज विश्राम दिवस की कथा में हम सब नाम में गोते लगाएं, भगवान नाम हम सब साथ में गाएं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब नाम का गान उदारता के साथ करेंगे। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन
भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला।